कौन आया था ये? दिखा तो तेरा चेहरा। ये हाथ में क्या है मम्मी के? ये मोबाइल है और ये मेल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी 10:30 का टाइम हो चुका है और यहाँ पर मैंने ना इडली चढ़ा रखी है और ये है सांभर के लिए दाल, अरहर की दाल को भिगो कर रखा है और ये इडली का बैटर है और ये है नारियल और मूंगफली की चटनी। नारियल और मूंगफली की चटनी भी मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ क्योंकि इन्हें ना इडली इतनी पसंद नहीं है और नारियल और मूँगफली की चटनी होती है ना तो ये थोड़ा सा खा लेते हैं ढंग से इडली को। तो ये देखिए हमारी इडली भी बनकर रेडी हो चुकी है और इनको अब मैं चेक कर लेती हूँ एक बार चाकू से और इन्हें चेक कर लूँगी। चाकू अगर क्लीन बाहर आ जाता है तो इसका मतलब हमारी इडली जो है वो बनकर रेडी है। तो इडली हमारी रेडी हो चुकी है, इनको मैं निकाल लेती हूँ। और बहुत ही सॉफ्ट इडली बनी है और काफ़ी दिनों बाद मैंने इस बार बनाई है इडली क्योंकि इनको इतनी पसंद नहीं है ना, लेकिन अर्थक को अच्छी लगती है तो फिर आज मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ क्योंकि बच्चे का मन भी मुझे देखना ही होता है। तो फिर मैंने आज फाइनली इडली बना ली और आज का जो हमारा लंच है वो यही रहे इडली सांभर और नारियल और मूंगफली की चटनी। नारियल और मूंगफली की चटनी की रेसिपी भी मैंने एक व्लॉग में अपने पहले शेयर कर रखी है, अगर आप देखना चाहें तो पिछले किसी व्लॉग में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा लंच और आप लोग भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। और लंच वगैरह करने के बाद ना मैं यहाँ पर सब्जी खरीदी हूँ क्योंकि आजकल ना या तो ये सब्जी वाले भैया से नीचे उतर कर सब्जी ले लेते हैं या मैं ले लेती हूँ, दूर जाकर लाओ उससे क्या फ़ायदा, तो घर के आगे ही मैं सोचती हूँ चलो ले लेते हैं सब्जी वगैरह। इवनिंग फ्रेंड्स, और अभी ना लगभग 6 बजने वाले हैं और दोपहर के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, आज मैं थोड़ी सी थक गई थी तो थोड़ी सी नींद भी मेरी लग गई थी। फिर मैं मम्मी से बात करने लगी, मम्मी का फ़ोन आ गया था तो मैं मम्मी से बात करने लगी, फिर बर्तन वगैरह क्लीन किए, इतने में ना साफ सफाई का शाम की झाड़ू वगैरह का टाइम हो गया और फिर खाने का टाइम भी हो ही जाता है। जल्दी ही बना लेती हूँ आजकल मैं खाना, तो अभी भी मैंने खाने की तैयारी भी कर ली है। अभी मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी और बना रही हूँ बैंगन का भरता बना रही हूँ और आटा भी मैंने लगा के रखा है, पूड़ियों का आटा लगाया। आज मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी नमक अजवाइन की, तो वो तैयारी भी मैंने कर ली है। तो फिर मैंने सोचा जब व्लॉग मैंने स्टार्ट कर रखा है तो चलिए कैमरा उठाते हैं और आप लोगों से भी थोड़ी बहुत बात करते हैं। और अभी ना हमारे यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी कम हुई है, जैसे ही फेब आता है ना तो थोड़ी सी सर्दी कम हो जाती है और इसीलिए मुझे फरवरी का जो महीना होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। एक तो सर्दी कम हो जाती है, दूसरा मेरा बर्थडे भी आता है फरवरी के मंथ में, दोनों ही रीज़न की वजह से मुझे फरवरी का जो मंथ है वो बहुत अच्छा लगता है। तो 4 फेब को मेरा आता है बर्थडे और महीना भी बहुत अच्छा होता है, सर्दी भी चली जाती है, बराबर सा मौसम होता है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है इवन, क्योंकि बच्चे बाहर जाके खेलने लग जाते हैं, नहीं तो ज़्यादा सर्दी होती है तो भी उन्हें बाहर भेजने में दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा गर्मी होती है तो भी दिक्कत हो जाती है। तो अर्थक अभी बाहर खेल रहा है तो आपको थोड़ा सा बाहर का वेदर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मौसम कितना अच्छा हो गया ना, और देखिए आपको जो है बच्चे लोग भी दिखाई दे रहे होंगे, अर्थक अर्थक के फ्रेंड्स वगैरह सब खेल रहे हैं, तो बच्चे भी बड़े खुश रहते हैं इस मौसम में। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ आलू को छीलने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, आलू वगैरह मैंने उबाल के रख लिए हैं, बैंगन भी मैंने भून कर रख लिया था, तो ये बस थोड़े से ठंडे हो गए थे ना, उसके बाद ही मैं यहाँ पर रूम में ही आकर बैठ गई हूँ क्योंकि आज ना मॉर्निंग में मैं खड़े खड़े बहुत देर तक मैंने काम कर लिया था किचन में, तो आज मेरे पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो मैंने कहा चलो रूम में ही इनको छील लेती हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं अगेन आ गई हूँ किचन में, आलू मैंने उबाल लिए थे, छील लिया जैसा कि आपने देखा, उनको कट भी कर लिया यहाँ पर, बैंगन के छिलके भी मैंने उतार लिए हैं और बैंगन का भरता जैसा कि आज बनेगा, मुझे बेहद पसंद है बैंगन का भरता और इसके लिए मैंने टमाटर वगैरह भी कट करके रख लिया है। और जब भी बैंगन का भरता बनाती हूँ मुझे पहले की बातें याद आ जाती हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब ससुराल में बैंगन नहीं आता था और कोई खाता भी नहीं था, लेकिन मुझे बैंगन का भरता बहुत पसंद था तो इस वजह से शादी के बाद मतलब मेरी शादी के बाद भी यहाँ पर बैंगन आना स्टार्ट हो गया और इवन इन्होंने तो कभी खाया भी नहीं था, इनको टेस्ट भी नहीं पता था, तो अब तो ये मुझसे भी ज़्यादा बैंगन भरता के लवर है, मतलब खुद स्पेशली बैंगन खरीदते हैं और बैंगन का भरता बनवाते हैं। और पहले ये मेरी वजह से भी, शुरुआत में जब लाते थे तो मेरी वजह से ही लाते थे क्योंकि भाई
जैसे सबकी पसंद मायने रखती है, वैसे बहू की और पत्नी की पसंद भी तो मायने रखती है। टच वुड इस चीज में मैं लकी रही कि मेरे हस्बैंड ने मेरी हमेशा पसंद और नापसंद का ख्याल रखा, बाकी कोई रखे ना रखे, लेकिन हस्बैंड अगर हमारी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं ना तो बस उतना काफी है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ भरता। इसकी रेसिपी तो मैं डिटेल में शेयर नहीं करूंगी, सबको ही बनाना आता है, तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ सब्जियाँ और फिर मिलूंगी आपसे। और यहाँ पर मेरी आलू की सब्जी तो बन चुकी है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ बैंगन का भरता। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, बहू की पसंद और नापसंद भी मायने रखनी चाहिए ससुराल में, क्योंकि उसको भी उतना ही अधिकार होता है, क्योंकि शादी के बाद ससुराल ही उसका घर होता है। जैसे कि शादी से पहले एक लड़की की पसंद नापसंद का उसके पीहर में यानी कि उसकी मम्मी पापा के घर में ख्याल रखा जाता है, ठीक वैसे ही ससुराल में भी मेरा ऐसा मानना है कि रखना चाहिए बहू की पसंद नापसंद का ख्याल, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़कर एक नए परिवेश में आती है और नए घर में नए सदस्यों के अकॉर्डिंग ढलती है। तो ससुराल वालों का भी फर्ज बनता है कि वो भी उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखें। ज़्यादातर फैमिलीज़ में यही होता है कि बहू की पसंद नापसंद के बारे में नहीं सोचा जाता है और उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखे, प्यार से उनके साथ पेश आए, लेकिन खुद उसके बारे में थोड़ा सा भी वो लोग नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें मैं सोचती हूँ कि सब लोग एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तभी तो एक खुशहाल परिवार हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बस मैं भगवान की पूजा, अब दियाबाती का टाइम हो गया था तो वो कर रही हूँ, उसके बाद खाने का भी टाइम हो जाएगा। तो क्योंकि शाम को थोड़ा सा हमने नाश्ता कर लिया था तो भूख नहीं थी, तो आज थोड़ा सा लेट खाने का मन है, तो मैंने कहा चलो दियाबाती करने के बाद वीडियो की एडिटिंग भी कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है ना तो मैं वीडियो एडिट वगैरह कर लेती हूँ। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ सब्जी वगैरह गर्म करने के लिए, तो मैंने ओवन को ऑन कर दिया है और आलू की सब्जी और बैंगन के भरते को दोनों को ही गर्म कर लूँगी। बैंगन भरता तो कभी भी ठंडा नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो बादी कर जाता है, तो इन दोनों को ओवन में गरम कर लूँगी। और साथ के साथ ही मैंने वहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और यहाँ पर मैं ना इसके आटे के ना पेड़े बना लूँगी। और मेरी मम्मी का हिसाब आपको बताती हूँ, तेल इतने में गरम हो जाता है जैसे 10 पूड़ी हमने पेड़े बनाए और 10 पूड़ियाँ बेली ना, इतने में हमारा पूड़ी का जो आटा होता है ना परफेक्ट गरम हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं 2 पूड़ियाँ निकालूँगी अपनी सास की, 2 पूड़ियाँ मैं उनकी निकालती हूँ सुबह में, क्योंकि इडली सांभर बना था तो मैंने रोटी पूड़ी वगैरह तो निकाली नहीं थी, तो शाम के टाइम में मैं उनके नाम की पूड़ियाँ निकाल दूंगी। जब भी मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ ना सुबह के टाइम में, जैसे इडली बना लिया या कुछ और ऐसा बना लिया, तो शाम के टाइम में ज़रूर पूड़ी या रोटी निकालती हूँ उनके नाम की। तो यहाँ पर मैंने मम्मी जी के नाम की भी पूड़ियाँ निकालनी है, उसके बाद मैं हम सबकी पूड़ियाँ भी बना लूँगी और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। और आप लोगों से भी यही पूछना चाहूँगी कि मेरी जो विचार हैं आप लोग उन विचारों से कहाँ तक सहमत हैं, तो मुझे आप लोग कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, मुझे हमेशा आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।